जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त दो DSPs ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, फतेह साहब और शहजाद साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ ना इन लोगों की नाराजगी है। कहते हैं कि आपके वार्डन एक ग्रुप में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को वीडियोज दिखाते हैं और ट्रैफिक के मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले आपको शुक्र अदा करूँगा, आपने ये बात पूछी है। इसमें जो लाहौर हॉल रोड में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो यहाँ पर इसकी जो नो पार्किंग है, पार्किंग का मसला है। इसके लिए हमने येलो लाइन लगाई है। तमाम लोगों को बताया गया है, यहाँ पर ट्रैफिक स्टाफ भी बताता है कि आपने येलो लाइन के अंदर अपनी मोटरसाइकिल पार्क। येलो लाइन की पासदारी कौन करता है? येलो लाइन की जो पासदारी वो इनका है, जो लॉर्ड पार्किंग वाले हैं उनका स्टाफ भी है, हमारा ट्रैफिक पुलिस वो भी इनको बताता है कि आपने येलो लाइन के अंदर पता, जितने कस्टमर आते हैं उनको भी बताया जाता है कि आप येलो लाइन क्रॉस ना करें, और दुकानदारों के साथ भी मीटिंग की गई है, इनको बताया भी गया। इसके अलावा जो नाजायज तजावजात हैं जो यहाँ पर हैं, उसके लिए MCL उनसे भी मीटिंग हुई है। ये येलो लाइन ट्रैफिक के मसाइल को हल करने में अभी तक कितनी कारगर साबित हुई है? माशाल्लाह, हर जगह जहाँ पर हैं आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ चलें, आप नादरा की तरफ चलें, आप लाहौर में भगवान पर मुहूर्तपुरा की तरफ चलें, मेरे साथ बेशक आप प्रोग्राम करें, हम आपको दिखाएंगे। अच्छा इमरान साहब, एक सवाल मैंने यहाँ पे ये जानना है, ये जो ट्रैफिक के मसाइल और पार्किंग का जो बाजगश निकली है, उसमें उस प्लान में ये हॉल रोड शामिल है? जी बिल्कुल शामिल है। और मैं अभी हम देख सकते हैं, जब से हम यहाँ पे मौजूद हैं फतेह साहब, यहाँ पे ट्रैफिक तो ब्लॉक ही है। अच्छा, जो ट्रैफिक ब्लॉक है उसके लिए ट्रैफिक स्टाफ इनको बता रहा, लोगों को बताता है कि आपने वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। दूसरा, अगर आपने उस साइड से देखें, उधर भी ट्रैफिक स्टाफ खड़ा है, इधर भी खड़ा है, दरमियान में भी पुलिस की ट्रैफिक। ट्रैफिक क्यों ब्लॉक है? ट्रैफिक ब्लॉक इनकी नजायज तजावजात की वजह से बांधा है, की वजह से है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट भी की है तमाम ताजर बरादरान को कि आप मेहरबानी करके नाजायज अपने जो ये फट्टे वगैरह, ये जो अपने बैरियर्स हैं, इनको यहाँ से बात फिर आप पे आ गई। तो एक और बात बताना चाहता हूँ, इसके अलावा जो लाहौर में इस वक्त जो मुहिम चल रही है, एक वन वे की खिलाफ वर्जी, जो लोग गलत आते हैं वो भी एक ट्रैफिक कंजेशन है कि उनको बताया जाता है कि आप वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। जस्ट वन मिनट मैं बात कर लूँ प्लीज़। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो हेलमेट है, हम इन लोगों को जो मुहिम चल रही है कि आप कहते हैं हम हेलमेट पहने, आप मेजर इंजरी से बचें, तो ये ट्रैफिक पुलिस अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम भी कर रही है। हम स्कूलों में, हम ऑफिस में जाके, मुख्तलिफ चौराहों पे जाके हमारा एजुकेशन जो है, हमारी जो टीमें हैं वो भी बता रही हैं, और आपको नज़र आएगा कि आप अगर उस साइड पर जाएँ, माल के इस साइड पर आएँ, जिस साइड भी जाएंगे आपको ट्रैफिक पुलिस बताएगी, और इनके हम इनको बकायदा उसके बारे में अवेयरनेस भी दे रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा फतेह साहब की आपने बात सुनी है, बातें फिर आपके कंधों पर आ चुकी हैं कि जो आपके दुकानदारों ने नजायज तजावजात कर रखे हैं, उसी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। लब्बा साहब क्या कहाँ है, ये तो मेन रोड का ताल्लुक है ना इनका इस बात पे जो ये फरमा रहे हैं। बात ये नहीं है, बहस हो जाएगी। इनकी टीम यहाँ है जरूर, पर उस तरीके से काम नहीं करती जो काम करना चाहिए। वन वे यहाँ सारा दिन हमें मेन प्रॉब्लम है वन वे का, जो इसकी वजह से ट्रैफिक ख़राब होती है। हमने हमेशा हर आने वाले को यहाँ तावन किया, जो भी इंतजामी आई है, हमारा इनसे कोई नाराज़गी तो नहीं है ना, लेकिन मसला ये है कि उस तरीके से कॉपरेशन नहीं होती जो कि होनी चाहिए। कॉपरेशन नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। मैं तमाम अपने मेरे ये बिल्कुल हमारे रिस्पेक्टेबल हैं जितने भी ये ताजरबा, अगर कोई इनका मसला है ये बताएँ, ऑफिस आएँ, सीनियर ऑफिसर को हम बताएँगे। असल ये है कि इनका कॉपरेशन तावन ज़रूरी है ट्रैफिक पुलिस का। अगर कोई इनको कंप्लेंट है ट्रैफिक पुलिस के बारे में तो बताएं जी। सबसे हमने तो आए दिन हम तो लेटर्स लिखते रहते हैं, अभी पीछे भी हमने लेटर लिखा है, लेटर हम लिखते रहते हैं। जब तक ये कोई मीटिंग में नहीं बुलाएंगे या प्रॉपर नहीं सिस्टम होगा तो हम किस तरीके से जाके इनसे बात करेंगे? फतेह साहब, आप मार्केट है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, हॉल रोड इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन हमारे साथ उस तरीके से तावन नहीं होता। कई दफ़ा जब पहले जुबैर भट्टू साहब यहाँ थे, जब भी मीटिंग हुई एक दफ़ा, लेकिन फिर बाद में कुछ नहीं हुआ। वार्डन्स आते हैं, ये गए, जो जितनी उनके पास कोशिश होती वो करते हैं, लेकिन उस तरीके से कि इनकी VIP आ जाते हैं माल पे, ये लोग फिर माल सारा छोड़ देते हैं हॉल रोड को। इस वजह से हमें काफ़ी, अभी हम ये खुद देख लें जितनी ट्रैफिक आ रही है ये यहाँ से, अभी तो चले जी माल लोग ठोक देते हैं, VIP मूवमेंट में आप ठोक देते हैं माल रोड को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आपको भी पता है कि ट्रैफिक लाहौर में हर बंदे के पास गाड़ी है, हर बंदे के पास मोटर बाइक, कार पे जो लोग आते हैं, सड़कें उतनी हैं जो हमने आज से 10-20 साल पहले देखी हैं, और ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करने के लिए भी इनके साथ लोगों को बताया जाता है, ऐसी उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अभी आपने बात सही, लेटर भी लिखे हैं, लेकिन बिन बुलाए आपकी मीटिंग्स में नहीं आ सकते, लेकिन लेटर लिखते हैं आप जब मर्जी ये आए हमारे पास, आए मेरे पास, आए मेरे लेटर्स का जवाब दे दें। अभी चार्ज है ये कैंट का,
तो मैं क्या नाम है अभी एक सेकंड मैं अभी आपको ये बताऊं, आप उस साइड पर अगर आप अपना कैमरा उधर कराएं उस साइड पे इन्होंने बेताशा बजरी और रेत जो इन्होंने फेंकी हुई है इनकी इन्हीं के वो दुकानदार है ना, किसी से इन्होंने परमिशन ली है। अब लोग देखे ना, एक रोड इतनी है, आप उसके अंदर दो ट्रक फेंक देंगे विदाउट एनी परमिशन तो ट्रैफिक तो रुकेगी। कोऑर्डिनेशन की बात है शहजाद साहब, जरा आप भी आगे आइए, आपको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। इंचार्ज हैं आप यहाँ के, वो कहते हैं लेटर हम लिखते हैं जवाब नहीं आते। बात ये है कि मैं पहले वाली गुफ्तगू सुन रहा था, मैं यहाँ पे इस वक्त वैसे आया हूँ, चार्ज फतेह साहब के पास है, फतेह साहब इस जगह पे। तो बेसिक बात ये है कि ये मैं कई पहले रह के चुके गया हुआ हूँ, तो मैंने कहा कि मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। बेसिक बात ये है कि हालोड की यूनियंस जितनी भी हैं यहाँ पे, हमेशा हम लोगों ने कोशिश की है कि इनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलें और प्रॉपर तरीके से, जो ड्यूटी की बात मैं सुन रहा था उसमें ये था कि प्रॉपर हमने एक इंचार्ज और यहाँ पे रेगुलर बेसिस के ऊपर 5-6 बंदे लगाए होते हैं जो यहाँ की ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छी तरह से याद है, जब मैं भी यहाँ पे एज ए सुपरवाइजर ही ऑफिसर था, तो मेरा ये तमाम यूनियंस के साथ रابطہ रहा करता था। तमाम बातों की एक बात है, हम ये जो बातें हैं वो हर प्रोग्राम में भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को हमने हल करना है। आपने जो येलो लाइन लगाई है, आप देख रहे हैं मल्टीपल लेयर्स है बाइक्स की, और पैदल चलने वालों का तो अल्लाह हाफिज है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके बजाय कि वो सिर्फ सड़क के ऊपर चलें और अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे ना तो व्हीकल के चलने के लिए जगह है, ना पैदल चलने वालों के लिए जगह है। जो येलो लाइन की आप बातें करते हैं उसकी पासदारी कोई नहीं करता। ये आप इस वक्त जिस जगह पे खड़ी हैं, यही महाल रोड हुआ करता था, जो अगर आप कुछ देर पहले चले जाएं तो यहाँ पे पैदल बंदा भी नहीं गुजर सकता था। अगर यहाँ से आप बंदों को उठाएं तो इस वक्त यहाँ से ट्रक भी गुजर सकता है और फ्लुएंटली गुजर सकता है, रुकता नहीं है। अगर हाल रोड के बंदों को, इनकी यूनियंस को कोई प्रॉब्लम रहे तो ये हमारे साथ बैठे, जैसे ये कहेंगे हम लोग इंशाल्लाह उस तरह से मैनेज करेंगे और उस तरह से बेहतरी लाएंगे। इनके साथ मिलने के बाद से ना 20 साल से यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा बनते नहीं देखा। असल जो सजेशन है ये तो बता हो रही है ना, ये पार्किंग स्टैंड में ला दें इसके पैसे आएंगे। असल में अगर DSP साहब मौजूद हैं, अगर जो सबका इंचार्ज थे यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी तरफ से लेटर जाता जिला गवर्नमेंट को या बल्दिया आजमा को, वो भी कोशिश कर रहे हैं। मेयर लाहौर ने पिछले 18 माह में इतनी कोशिश की है, ये पीछे जगह चार कनाल की, उसको जगह को खरीदने की 70 करोड़ रुपया वो लगाने को तैयार थे, मगर कोई ऐसा माफिया है जो जाके इरिट करता है, वो जगह की इजाज़त नहीं मिल रही। पार्किंग प्लाजा वहाँ पे 4,500 बाइक खड़ी करने के लिए इन्होंने पूरा अपना जो PC1 है वो तैयार किया हुआ है, मगर कोई भी ऐसा बंदा जो उनके साथ मेयर लाहौर के साथ मिलने को तैयार नहीं है ताजरों में से, कि जी हम इनके साथ मिले और ये प्लाजा बने। जवाब देते हैं लब्बा साहब, जो इमरान साहब ने बात की, कैसे इसका जवाब देंगे? इमरान साहब ने जो बात की है, पार्किंग प्लाजा का मसला हमारा, पार्किंग प्लाजा बन जाए आल रोड पे ट्रैफिक का मसला 100% खत्म हो जाएगा। जितने प्लाजे ये गवर्नमेंट ने पास किए हैं उसमें पार्किंग ली होती, ये आज ये रोना रोना होते। दो DSPs हमारे साथ हैं और ट्रैफिक का संगीन मसला रहता है। इमरान साहब, ट्रैफिक का संगीन मसला रहता है, बहुत सारी चीजें भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब मेजर हल वो निकालना है। रिहा, आज आपके प्रोग्राम में ना तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लोग भी, चीफ ऑफिसर, बल्दिया, रेगुलेशन, MOP और इसके साथ साथ बाबर अली खान, शबीर लब्बा साहब और इसके साथ साथ 2 DSP मौजूद हैं जो ट्रैफिक को यहाँ पे इसकी रवानगी को ठीक करते हैं। मगर बात फिर वहीं पे आ जाती है, तमाम प्रोग्राम में एक हल निकला जो मैंने अभी आपको बताया कि पार्किंग प्लाजा लाजमी बनाएं, ये भी लेटर लिखें तंजीम, ये यहाँ की जो इंतजामिया है वो भी लेटर लिखे, ताकि जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उनको जरा थोड़ा सा सपोर्ट आए। उनको सपोर्ट नहीं है, उनके पास पैसे हैं, वो लगाना चाहते हैं, मगर यहाँ पर चार कनाल की ये जगह बाहरी है, मेन पर ही है, 4,500 बाइक्स वहाँ पे लगेंगी और वो तकरीबन 4 मंजिला प्लाजा बनाना चाह रहे थे, मगर 18 माह हो गए हैं, वो प्लाजा जब भी बनाना शुरू करने लगते हैं किसी ना किसी की वहाँ पे रेट होती है, हेयरिंग हो जाती है, वो प्लाजा रुक जाता है। मेयर लाहौर ने चीफ जस्टिस अली कबर कुरैशी हैं, उनको बताई है सारी बात, उन्होंने कहा जी आप तमाम डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, किसी की रेट को नहीं माना जाएगा, हम यहाँ पे प्लाजा चाहते हैं, प्लाजा बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि ये जितना भी ये भत्ता माफी है, ये पार्किंग, कोई पार्किंग कंपनी यहाँ पे, मैं कहता हूँ इतने इतने टोकन लगते हैं यहाँ पे, ये भी ताजिर हैं, इनसे भी पूछ लें क्या ऐसी बात नहीं है यहाँ पे जो टोकन लगते हैं वो पार्किंग कंपनी वाले पैसे लेके जाते हैं। जी ऐसे है कि यहाँ पर बात सब पुरानी ही है कि इतने प्लाजे यहाँ पर तकरीबन 150 प्लाजा बना हुआ है, हर किसी की बेसमेंट है, ठीक है, और उसमें किसी में पार्किंग नहीं दी गई। ये किसका फॉल्ट है? महकमों का फॉल्ट है,
जो पैसे खाते हैं और नीचे पार्किंग इशू नहीं करते। नाज़रीन, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है और मैक्सिमम हमने सोल्यूशंस की बात करनी है, अगर कैमरा जरा घुमा के बात दिखाएं हम आपको, तो इस वक्त डीएसपीज की मौजूदगी में यहाँ पे ऑपरेशन भी शुरू हुआ है और जो गैर जरूरी पार्किंग है, गैर कानूनी पार्किंग है, उनको उठाना भी शुरू कर दिया। हमेशा हम ये देखते हैं मलिक साहब, जब भी हम कहीं शो करते हैं वहाँ पे ऐसा भौचाल आता है कि तमाम चीजें कानूनी हो जाती है। अक्सर यही होता है कि इंतजामिया को होश भी तभी आता है जब लाहौर न्यूज पहुंच जाता है, मगर मकसद ये है कि ये तो अभी थोड़ा सा करेंगे हम भी, ये भी चले जाएंगे। मकसद ये है कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है पार्किंग प्लाजा। पार्किंग प्लाजा, ये 8,500 मोटरसाइकिल यहाँ पे आके खड़ी होती है हाल रोड पे मदिया, मगर ये 8,500 की मोटरसाइकिल के लिए 4,500 मोटरसाइकिल के लिए बाहर प्लाजा बनाया जा रहा है। चले कुछ ना कुछ तो दो प्लाजे चाहिए थे, एक तो बनाना, मगर ये ताजरों को चाहिए कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मेयर लाहौर के साथ बैठे। ये इतनी दफ़ा वहाँ पे आए, कभी भी आके उन्होंने प्लाजे की बातें की, जब भी वो प्लाजे शुरू करते हैं कोई ना कोई रेट कर देता है। उस जगह में है क्या, चार कनाल की जगह है। तो पार्किंग प्लाजा बनने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्यों उसकी राह में? नुकसान नहीं है बेटा, उसमें वो बना रहा है 28 करोड़ रुपया। मेयर साहब इधर आ गए, हमारे साथ बैठ के मीटिंग करके गए थे, उन्होंने बोला कि 28 करोड़ रुपया मैंने जमा करा दिया लिक्विडेशन बोर्ड को। अब उसके आगे क्या हुआ हमें नहीं पता। अब ये देखें कि 18 माह गुजर चुके हैं, वो 28 करोड़ 70 करोड़ रुपया पहुंच गया। क्योंकि जारी बात है, जैसे जैसे आगे जाएंगे महंगाई होगी। जमीन उन्होंने खरीद ली, उसके बाद अब रिट पिटीशन हुई है हाईकोर्ट में, जिसके ऊपर उन्होंने मोजिस जज जस्टिस अली अकबर कुरैशी को कहा, उनसे बात की, उन्हें पीछे कमरे जो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कोई रिट नहीं हम मानेंगे, आप फौरी तौर पर यहाँ पे प्लाजा बनाएं। अभी 3-4-5 दिन रोज गुजरेंगे फिर, मगर मकसद यह है कि 18 माह से वो दिन रात मेहनत कर रहे थे कि यहाँ पे प्लाजा बना लें, किसी तरीके से हार रोड की पार्किंग का मसला हल हो जाए। ये उनका ख्वाब भी था कि मेरी जब मेरी मेयरशिप में ये काम हो जाए, मगर हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए कि आगे तो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई है, जारी बात है जो बेनिफिशरी होंगे वो तरीके इंसाफ वाले बन जाएंगे, मगर अब उनको भी थोड़ा सा है कि मेरे साथ ट्रेडर आके मिलें, मेरे साथ आके निगोशिएशन करें ताकि यहाँ पे हम पार्किंग प्लाजा खड़ा कर सकें। ये जो चीज़ें हमने ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं, अब ये मुझे बताएं आपके क्या सोल्यूशंस हैं, ये सोल्यूशंस ऐसे जिनके ऊपर काम भी किया जा सके। देखें बात ये है कि जो ना इंतजामिया जो लाहौर पार्किंग है यहाँ पर ड्यूटी दे उनके बंदे प्रॉपर, जिसने फरमाया ना कि ये येलो लाइन लगा दी है उसके बाहर कोई पार्किंग हमें नजर नहीं आनी चाहिए। तमाम दुकानदार ये भुगत रहे हैं, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं और कारोबार तबाह हुए हैं मोटरसाइकिल की वजह से, हमने फिर भी कॉपरेट किया हुआ है। जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ प्लाजा बनना चाहिए और हम लोग बड़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं, बहुत दफ़ा उनसे हमारी बात हो चुकी है, ये प्लाजा बनेगा तो बहुत से मसले हल हो सकेंगे। चले जी, बात इस सेगमेंट में यहाँ पे आके रुकी है कि प्लाजा बनेगा तो बहुत सारे मसले हल हो सकेंगे। इमरान मलिक साहब, लब्बा साहब आपका, फतेह साहब आपका, शहजाद साहब का और खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बहुत फ्रूटफुल गुफ्तगू हमने की है और जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के हवाले से प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, चाहे उसमें माल रोड है, हाल रोड है, चाहे उसमें लाहौर का कोई भी कोना है, उसका फ़ायदा लाहौरियों को होगा और ये काम जल्द अज जल्द हो जाए, यही हमारा जो मकसद है प्रोग्राम करने का आज का है। और तमाम तर सोल्यूशंस भी तमाम स्टेक होल्डर्स के मुंह से आपने जानी है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।